शाहिद कपूर को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने बहुत बड़ी फिल्में की है। शाहिद कपूर बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है। शाहिद ने साल 2003 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी इश्क विश्क से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद कभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। जब वी मेट, हैदर, उड़ता पंजाब, बहुत सारी उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की है। हम सबकी फेवरेट कबीर सिंह, ये फिल्म ने उनके करियर को अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, OTT पर भी एक्टर ने फर्जी और ब्लडी बेटी से धमाल मचा दिया, यानी कि पूरा तबाही। इतनी सारी हिट फिल्में बना बना कर शाहिद कपूर थके नहीं और हम उनकी फिल्मों को प्यार देते हुए थके नहीं। फिर से एक बार शाहिद कपूर लौट रहे हैं। दशहरा के मौके पर शाहिद कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म देवा की फर्स्ट लुक को रिवील कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी। बहुत बढ़िया खुश खबर है, इस फिल्म में वे पहली बार पूजा हेगड़े के साथ नजर आएगी, यानी कि पर्दे पर गद्दर मचाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। मेकर्स ने एक्टर की अपकमिंग फिल्म का टाइटल जारी कर दिया है, जिसका नाम है देवा। दशहरे पर फैंस को तोहफा देते हुए शाहिद की इस अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। बता दें कि शाहिद और पूजा हेगड़े स्टारर देवा अगले साल दशहरा पर दस्तक देगी, यानी कि ये फिल्म 11 अक्टूबर 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। इतना ही नहीं, फैंस के एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए मेकर्स ने शाहिद कपूर का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया है, यानी कि व्हाइट शर्ट में है, छोटे छोटे बाल है, सनग्लासेस लगाए हुए है और फिर हाथ में बंदूक है, तो यानी पूरा थ्रिलर लेवल का ये मूवी होगा। यकीनन शाहिद का ये लुक बेहद दमदार है और अब फैंस फिल्म से जुड़ी और डिटेल्स जानने के लिए काफ़ी बेसब्र हो रहे हैं। बेसब्र आप भी हो, इसलिए मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। साथ में ये भी बता दें कि देवा का डायरेक्शन रोशन इंट्रोड्यूस द्वारा किया जाएगा और इसका निर्माण जी स्टूडियो और रॉय कपूर फिल्म्स द्वारा किया जाएगा। ये सारी नई अपडेट है, ये सारी अपडेट मेरे पास आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे चैनल की ऑडियंस के साथ भी ये न्यूज़ शेयर करें। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि ये न्यूज़ आपको कैसी लगी और शाहिद कपूर का ये नेक्स्ट लेवल मूवी कैसा होगा, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कॉमेंट कैसे करते हो और आपको अगले वीडियो में रिव्यू चाहिए या फिर ऐसा ही अपडेटेड मूवी के बारे में वीडियो बनाओ, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।